चलिए शुरू करते हैं फिर। पेज 179 16 16। तीन पार्टनर है, हीरा, चुन्नी एंड पन्ना, आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली को आप सर्कल में ले लीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, एसेट साइड पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्डिंग दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है और कैश दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में देखिए, सिंडिकेटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है। जनरल रिजर्व और कैपिटल कहां जाएगा? तो जनरल रिजर्व और कैपिटल सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंड जितना बिल्डिंग से लेके आप कैश तक देख रहे हैं और क्रेडिटर देख रहे हैं, अगर उसका दाम कम या ज्यादा होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। नीचे में आप सर्कल में ले लीजिए, पन्ना रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? पन्ना। और अगर एडमिशन रहेगा ना तो लिखेगा पन्ना एडमिटेड, तो वो एडमिशन हो गया। यहां पर देख रहे हैं क्या बोल रहा है, पन्ना रिटायर, तो रिटायरमेंट हो गया। गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड, अंडरलाइन करो, गुडविल को रेज किया गया इन द बुक ऑफ द फर्म 18,000 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पन्ना द गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्या बोला है बोलिए? सिर्फ रेज किया है, राइट ऑफ के बारे में नहीं बोला है। तो हम लोग लास्ट में एक नोट पुट कर देंगे कि सिर्फ हम लोग रेज किए हैं, राइट ऑफ नहीं किए, क्योंकि बोला ही नहीं है। मशीन इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। आप लोग को एडमिशन में भी पता था कि एक प्रीपोजिशन है, और वो प्रीपोजिशंस क्या है? टू और, एट और बाई। इसको कभी मत भूलिएगा, ये आपको एडमिशन में भी काम देगा, रिटायरमेंट में भी काम दे ही रहा है। साथ ही साथ डेथ में भी अगर रिवोल्यूशन अकाउंट बोल दिया बनाने के लिए ना, तो वहां पर भी काम देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टू और एट का मतलब होता है तक, और बाई का मतलब होता है। टू और एट रहेगा तो जो बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वहां पर जो फिगर दिया हुआ रहेगा, और यहां पर जो फिगर दिया रहेगा उसके डिफरेंस को हम लोग लेते हैं। यानी यहां पर कौन सा अमाउंट लेते हैं हम लोग? डिफरेंस अमाउंट। और यहां पर क्या लेते हैं? यहां पर हम लोग लेते हैं गिवन अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़िया से समझो। जैसे बिल्डिंग 15,000 रुपया दिया हुआ है, देखिए 15,000, और बोलेगा बिल्डिंग इज रिवैल्यूड या बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 13,000। 15,000 रुपया दाम था लेकिन अभी उसका दाम 13,000 हो गया, तो क्या हुआ? 2,000 कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 2 और 8 रहेगा तो जो बैलेंस शीट का अमाउंट दिया हुआ है, जो यहां पर दिया हुआ है, उसका डिफरेंस अमाउंट को लेंगे, और बाई दिया रहेगा तो गिवन अमाउंट को लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। बाई को सर्कल में ले लो, मशीन का 10% निकालेंगे, और निकालने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशंस के डेबिट में लिख देंगे। स्टॉक इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई, एप्रिसिएट को अंडरलाइन करिए, स्टॉक का दाम बढ़ गया है तो रिवैल्यूएशंस के क्रेडिट में जाएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%, 5% पीवीडी बोल रहा है करने के लिए, डेटर के ऊपर निकालेंगे और सीधा रिवैल्यूएशंस के डेबिट साइड में लिख देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, देखेंगे जर्नल एंट्रीज तो बुलाई करने के लिए। साथ ही साथ देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। कैपिटल अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, और बैलेंस शीट भी बोल रहा है बनाने के लिए। क्या सम्स के अंदर कहीं आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि पन्ना जो रिटायर कर रहा है उसके अमाउंट का क्या करेंगे? कुछ बोला है? नहीं बोला है। तब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहले आप जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या हम लोग के पास सफिशियंट अमाउंट है? अगर सफिशियंट अमाउंट रहेगा तब आप उसको दे भी सकते हैं, अदरवाइज आप उसके लिए क्या करेंगे, एक नोट पुट कर देंगे कि हम लोग कहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके लोन अकाउंट में।
तो चलिए एक छोटा सा पहले क्या बनेगा, रिवेल्युएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप या इन द बुक ऑफ हीरा चुन्नी और पन्ना। डेबिट क्रेडिट और रुपीस, इसको आप जरूर से लिखना। मशीन डिप्रिसिएट हो रहा है कितने परसेंट से, मशीन का दाम कितना कम हो गया बोलिए। स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, फिफ्टीन थाउजेंड का 6% कितना होगा, 900। 5% प्रोविजन बोल रहा है करने के लिए, डेटर 18,000 है, 5% 900। और कुछ हुआ है, स्टॉक तो ले लिए, गुडविल, गुडविल जो रेज हुआ है, एक काम करेंगे हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट में भी ले सकते हैं और यहां भी ले सकते हैं। कहां पर हम लोग लेना पसंद करेंगे, कैपिटल अकाउंट में लीजिएगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान से देखेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अगर हम लोगों का एडमिशन होता तो एडमिशन में रिवैल्यूएशन में लेना आसान है, लेकिन रिटायरमेंट में हम लोग, रिटायरमेंट में क्यों हम लोग यहां पर कैपिटल अकाउंट में लेते हैं, अगर राइट ऑफ करने के लिए बोलेगा तो राइट ऑफ करेंगे। अगर मान लीजिए आप ये पूरा 18,000 नहीं लेते हैं, सिर्फ पन्ना का 6,000 लेना चाहेंगे, तो यहां पर अगर पूरा ले लेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट गुडविल अगर रेज रहेगा तो कहां पर लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, 900 जो चला गया तो 1800 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब एग्जाम में बनाएंगे तो पूरा प्रॉपर वे से बनाएंगे। तीन पार्टनर है, जो लॉस हुआ है वो तीनों पार्टनर किस रेशियो में बांटेगा, क्या दिया हुआ है, इक्वली, तो इक्वली यहां पर 1:1:1 बांट देंगे, टोटल हो गया 2700, यहां पर हो गया 1800 और यहां पर 600 करके बांट देंगे। चलिए यहां तक जल्दी से आप कॉपी करिए, क्या बनाना है हम लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कीजिए। लेकिन रिवैल्यूएशंस की तरफ ध्यान दीजिए, गुडविल को आपने यहां कंसीडर नहीं किया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नोट पुट करना पड़ेगा, और अगर कंसीडर भी करते तब भी नोट पुट करना पड़ता, क्योंकि गुडविल रिवैल्यूएशन में भी जा सकता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी जा सकता है, यहां भी जा सकता था और वहां भी जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलो मिटा दें इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जल्दी से तैयार करिए। कितने पार्टनर हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
तीनों का नाम लिख दो। हीरा अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि पुराना बैलेंस शीट से सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पुराना बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल लेंगे। कितना कितना दिया हुआ है कैपिटल? 25,000, 20,000 और 15,000। इसके बाद अगर रिजर्व होगा तो रिजर्व लेंगे। रिजर्व है जनरल रिजर्व, इक्वली बांटेगा तीनों पार्टनर। अभी इक्वल रेशियो है तो 1:1:1 में बांट रहे हैं। कितना दिया हुआ है देखिए, तो 5000 करके सभी का हो गया। तीन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, पुराना बैलेंस शीट से हम लोग को क्या लेना है, कैपिटल और अगर रिजर्व है तो रिजर्व। दूसरा, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, प्रॉफिट होता तो उस साइड जाएगा, अभी लॉस हो गया है, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हुआ है लॉस? 600 ईच। दो हो गया। थर्ड, अगर यहां पर ध्यान से सुनेंगे, एडमिशन होता तो एक नया पार्टनर रुपया लेकर आता तो उसके पास लिख देते, और गुडविल अगर लाता तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते। बट यहां पर देखो, एक पार्टनर जा रहा है, देखिए कौन जा रहा है, पन्ना। बट पन्ना का अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। पन्ना का अमाउंट कितना हो रहा है देखिए, 15 and 5, 20,000 में आप देख लिए 600 चला गया, ठीक है। क्या आपके बैलेंस शीट में रुपया है? 26,000 है, तो हम लोग दे सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर चाहें कि दे सकते हैं, तब हम लोग उसके टोटल को यहां पर कैश लिख के दे देंगे। तो क्या हुआ, जब एक नया पार्टनर आता है तो रुपया लेकर आता है तो इधर आप कैश लिखते हैं, जब एक जा रहा है तो हम लोग इसको दे देंगे कैश अकाउंट। गुडविल भी अभी हम लोग लेंगे। कितना है गुडविल बोलिए? गुडविल हमारा 18,000 है और गुडविल को रेज किया है तो इक्वली हम लोग बांट देंगे। कितना कितना आएगा? 6,000, 6,000 और 6,000। अभी भी तो अमाउंट है, दिया जा सकता है। क्यों? टोटल हो रहा है पन्ना का 26,000 एंड 26,000 में 600 चला जाएगा तो दिया जा सकता है, दे दीजिए। लेकिन नोट पुट करेंगे? नहीं देते तब भी नोट पुट करते? जो पार्टनर चला गया फिनिश्ड, जो बच गया उसका बैलेंस करेंगे। टोटल कितना हुआ? 36,000 में से 600 चला गया, 35,400। थर्टी वन में से 600 गया, 30,400। और इधर में टोटल देख रहे हैं आप, 26,000 हुआ, बट ये चला जा रहा है तो 600 हम लोग लेस करके बाकी इसके अमाउंट को दे दिए, क्योंकि अमाउंट अवेलेबल था हमारे बैलेंस शीट में। यहीं पर अभी हम लोग बैलेंस शीट तो जरूर बनाएंगे, बट आप दो नोट पुट कर सकते हैं। पहला किसके लिए? गुडविल के लिए, क्योंकि गुडविल को हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में नहीं लिया, कहां लिया? कैपिटल अकाउंट में। इट इज एज्यूम दैट, एग्जाम में जरूर लिखना, गुडविल कितना रुपया दिया हुआ था?
गुडविल रुपीज 18,000, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. एंड सेकेंड, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको हम लोगों ने क्या किया, पेड कर दिया. इट इज एज्यूम दैट अमाउंट ड्यू टू पन्ना रुपीज 25,400 It is assumed that amount due to Panna rupees 25,400 paid immediately. अभी sums खत्म नहीं हुआ है, क्या बनाना है, बैलेंस शीट. ये मिटा दें, बैलेंस शीट तैयार कीजिए. देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग रिवॉल्यूशन में कुछ हुआ है तो बिल्डिंग लिखकर पूरे अमाउंट 15,000 आप लिख देंगे. फिर मशीनरी है, मशीनरी में कुछ हुआ है तो मशीनरी 18,000 है, उसमें से क्या हुआ बोलिए. 1800 डिप्रिसिएट हो गया था, कम हो गया था, 16,200. फर्नीचर में कुछ हुआ है तो फर्नीचर का अमाउंट जो दिया हुआ है वही लिख देंगे. फर्नीचर के बाद स्टॉक है, स्टॉक में कुछ हुआ था, स्टॉक दिया हुआ है 15,000, क्या हुआ था, कितना बढ़ गया था, तो 900 हम लोगों ने प्लस कर दिया. स्टॉक के बाद डेटर है 18,000, क्या हुआ था, इसमें कितना माइनस हुआ था. और डेटर के बाद 26,000 में हम लोगों ने पेड किया था उसको, कितना पेड किए थे, 25,000. इधर में पहले कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पन्ना तो रिटायर कर गया, पेड कर दिया उसके अमाउंट को, तो बचा कौन बोलिए. तो हीरा का अमाउंट और चुन्नी का अमाउंट को लिख देंगे. हीरा का कितना था, 35, और चुन्नी का 30,400. संडी क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, कुछ हुआ था उसमें, नहीं हुआ था. अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग जितना भी एसेट साइड में था बिल्डिंग से लेके कैश तक लिख दिए,
साथ ही साथ यहां पर जो एडजस्टेड कैपिटल था वो ले लिए, क्रेडिटर भी ले लिए, लेकिन एडजस्टमेंट जरूर चेक करेंगे। एडजस्टमेंट अगर चेक नहीं करेंगे तो आपके गलती हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, गुडविल 18,000 रुपया सिर्फ रेज हुआ है, हम लोग राइट ऑफ नहीं किए हैं, तो हम लोग को गुडविल यहां पर लिखना होगा, और अगर राइट ऑफ होता तो लिखने का दरकार नहीं था। आगे देखिए, मशीन का डिप्रिसिएशन हुआ है, ये देखिए मशीन के साथ हम लोग माइनस कर दिए। स्टॉक एप्रिसिएट हुआ है तो स्टॉक के साथ हम लोग प्लस कर दिए। पीबीडीटी कितना परसेंट हुआ है, 5%, तो देखेंगे जी डेटर के साथ हम लोग कम कर दिए। और साथ ही साथ जो हम लोग एक बात लिखे थे कि जो पन्ना रिटायर कर रहा है उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो पेड कर दिए, तो सिर्फ आप इसको प्लस कर दीजिए। लेकिन हम लोग को सिर्फ गुडविल रेज हुआ है तो गुडविल भी लिख देना पड़ेगा, कितना 18,000। कितना आएगा टोटल, तो 85,000 एक नोट्स इसमें हमेशा पास होता है, और वो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके बारे में कभी भी मेंशन नहीं करेगा, तब हम लोग उसको, अगर अमाउंट रहेगा तो आप पेड कर देना, अमाउंट नहीं रहेगा तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है।